बैंक रोड स्थित मातृ छाया चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा संचालित आश्रय गृह में एक मानसिक विक्षिप्त महिला का उपचार के बाद स्वस्थ होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि एडीजी जोन अखिल कुमार ने बिहार के बेगूसराय जिले की रहने वाली एक मानसिक विक्षिप्त महिला कौशल्या को लगभग 17 महीने बाद उनके मानसिक रूप से स्वस्थ होने पर उसके पिता रामसेवक पंडित को फाउंडेशन के निदेशक आलोक मणि त्रिपाठी की उपस्थिति में सुपुर्द किया गया। आपको बता दें कि कौशल्या लगभग 1.5 वर्ष से लापता थी तथा 8 महीने पूर्व मातृ छाया टीम द्वारा मेडिकल कॉलेज से अत्यंत विक्षिप्त की अवस्था में मिली थी, जिसको रेस्क्यू कर आश्रय गृह लाया गया था तथा उसकी नियमित काउंसलिंग और पारिवारिक माहौल और चिकित्सा के बाद स्वास्थ्य में सुधार होने लगा और फिर टीम ने कौशल्या के घर का पता लगाया और शनिवार को एडीजी जोन अखिल कुमार की मौजूदगी में उसके पिता को सौंप दिया। वहीं कौशल्या के पिता ने संस्था के प्रति आभार जताया। इस अवसर पर शुभि पांडे, संध्या त्रिपाठी, शिक्षा मणि, अन्नू वर्मा, संतोष मौर्य, प्रियेश मालवीय, धीरेन्द्र राय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, सर लगभग लगा भी दामाद अभी मिल गया कि कंप्लीट अभी तुम ये देख पाती हैं ना, बोल पाती थी ना सुन पाती थी, एक आँख का हमने ऑपरेशन करा दिया तो कम से कम ये चलने लगी। सड़क पे ऐसे ही मानसिक भी थी, मानसिक कंडक्शन ठीक हो गई, उनके भी दामाद का पता चल गया है। वो सुन गुप्ता साहब जम्मू में थे, जम्मू का एक पता बताइए, उनका भी घर का पता चल गया है, जल्दी ही चली जाएंगी, ये पता नहीं पता कर पाती थी। ये नेपाल की है, इनका भी कोऑर्डिनेशन कल परसों से लोग से मिला है, जो नेपाल के सबसे ये पुलिस लाइन के अंदर से हमारा है, वो लड़की जो पुलिस लाइन के गेट पे ही पुलिस के साथ पूरी सदमे में थी, जिंदा लाश था, कुछ भी नहीं बोल पाती थी, खाली पीने लगा। ये सर एक हमारी सबसे ज़्यादा मेरे पास पुलिस है, ये पूरी तरीके से जी कुछ दिन पहले मिले थे हमें और इन्होंने बताया कि इस प्रकार की एक संस्था चला रहे हैं जहां मानसिक रूप से जो विक्षिप्त महिलाएं हैं उनको रखा जाता है, उनका देखभाल किया जाता है और उनको ठीक करने की कोशिश की जाती है। उसी क्रम में आज कौशल्या नामक महिला जो बिहार बेगूसराय के रहने वाली हैं उनको आज उन्होंने ठीक किया यहाँ पर और उसलिए हमें यहाँ बुलाया था। तो यहाँ आकर हमने देखा बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, पूरी तरह से निस्वार्थ सेवा भाव से काम लग रहा है क्योंकि इनको कोई भी सपोर्ट कहीं से नहीं मिल रहा है, ये अपने निजी व्यय से ये काम कर रहे हैं और जो स्वयं सेवक हैं कुछ यहाँ पर छात्राएं भी हैं जो इनके साथ मिलकर इस काम में उनका सहयोग कर रही हैं और महिलाओं को ठीक करने के और करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें मैंने इनसे पूछा भी कि कैसे आप करते हो तो ज़्यादातर ये पाया जा रहा है कि उनके साथ थोड़ा लगाव, उनके साथ प्रेम से बात करना और थोड़ी साइकेट्रिक सपोर्ट के साथ ये काफ़ी हद तक ये ठीक हो जा रही हैं। तो कौशल्या को इन्होंने भेजा है वापस बेगूसराय जा रहा है जो कि इंसिडेंटली मेरा गृह जनपद भी है,
तो मैं ऐसे भी भावुक हो रहा हूँ। 63 महिलाएं उन्होंने भेजा यहाँ से, बहुत बड़ी बात है।